गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल्स एंड कॉलेज। हियर वी आर गोइंग टू टीच कंप्यूटर ऑफ क्लास 9, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड। द स्मॉलेस्ट जॉब फॉर कंप्यूटर इज इंस्ट्रक्शंस और कमांड। सबसे छोटी जॉब जो कंप्यूटर की होती है उसको हम इंस्ट्रक्शंस या कमांड बोलते हैं। सच टाइप ऑफ सच कलेक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट जॉब इज नोन एज प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर जो हमने इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शंस को अगर हम एक साथ ग्रुप में पैक करते हैं दिस बिकम्स अ प्रोग्राम। When both the aspects are put together, it is called computer program. कौन-कौन से aspect होंगे? That is data and method of solving the program. Who is programmer? हम यहाँ पे समझेंगे कि programmer कौन है? The person who writes computer program. जो program को write करेगा, that person is known as programmer. यहाँ पर programming की बात करेंगे, a language which is used for writing the program is the process of writing a program is known as programming. अब programming language की बात करते हैं, is a set of commands and syntax to create a computer program is known as program. Evaluation of programming language, तो अगर हम evaluate करते हैं तो computer programming language को हम 4 categories में divide करते हैं। That is first generation, अगर हम first generation में बात करते हैं तो इसमें मशीन लैंग्वेज आती है। तो पहले जो कोडिंग की जाती थी, कंप्यूटर ऑपरेट किया जाता था, उसमें बस दो ही सिंबल्स हुआ करते थे, 0 और 1। उस टाइम पे केवल ऑपरेट करना ही बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करता था, 0 और 1। सब कुछ हमें, जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लिखने होते थे वो हमें 0 और 1 के फॉर्मेट में ही लिखने होते थे। जो मशीन लेवल लैंग्वेज थी, आज भी कंप्यूटर यही समझता है, कुछ और नहीं समझता है। इट अंडरस्टैंड ओनली द 0 और 1। जो कुछ भी लिखा जाएगा कंप्यूटर में वो फाइनली 0 और 1 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाना है, एंड इट अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। और मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो डिपेंडेंट होती है, मीन्स जिस भी मशीन पे वो राइट की गई है उसी मशीन पे वो रन हो सकती है, किसी दूसरी मशीन पे हम ले जा करके रन नहीं कर सकते हैं। तो मशीन लैंग्वेज जो है इट इज डिपेंडेंट होती है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज आई है, उसका एग्जाम्पल है, एक नई तरीके की लैंग्वेज डेवलप की गई थी असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पर 0 और 1 के प्लेस पे कुछ नेमेनिक चीजें यूज की जाने लगी थी, जैसे एडिशंस परफॉर्म करने के लिए ADD का यूज कर लेते थे, सब्ट्रैक्शंस परफॉर्म करने के लिए SUB यूज कर लेते थे, मल्टीप्लाई परफॉर्म करने के लिए MUL यूज कर लेते थे। इट इज आल्सो अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मींस जिस मशीन पे इसको हम कंपाइल करेंगे उसी पे इसको रन कर सकते थे। इस असेंबली लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए एक ट्रांसलेटर हुआ करता था, नोन एज असेंबलर। नेक्स्ट हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, इट इज क्लोज टू इंग्लिश इन वोकैबुलरी। जैसे आज हम इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करते हैं, जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है बिल्कुल उसी से मिलती जुलती, इट इज क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश की वोकैबुलरी होती है, उसी तरीके से बिल्कुल क्लोज होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, फोर्ट्रान है, जावा है, सी है, C++ है, तो हम आगे जावा प्रोग्राम को लर्न करेंगे कि कैसे जावा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो जावा प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरीके से राइट किया जाएगा जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश को टाइप करते हैं। यहाँ पर हमें 0 1 यूज नहीं करना है, यूजर रीडेबल फॉर्मेट में रहेगा, जो कोड होगा वो यूजर रीडेबल फॉर्मेट में होगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं फोर्थ जनरेशन के लिए, तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज क्लोजर टू द नेचुरल लैंग्वेज, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज से और ज्यादा क्लोज हो गई। ये क्लोज थी, ये क्लोजर हो गई, मतलब और भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज जैसी ही लिखी जाने लगी। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, जैसे हम इंग्लिश यूज करते हैं वैसे यूज करते हैं। अगर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल लेते हैं तो SQL एंड Oracle, ये दोनों डेटाबेस हैं, डेटाबेस के लिए यूज करते हैं Oracle और SQL को, ये दोनों फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यूज किया जाता है।
नाउ फिफ्थ जनरेशन की ओर अगर हम बात करते हैं तो आज का जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिस का है। जो भी हम चीज़ें देखते हैं, जैसे अगर हम चेस खेलते हैं कंप्यूटर से, एक लूडो आया है गेम, हम खुद चलते हैं, दूसरा सॉफ्टवेयर अपने आप जो है अपना टास्क चलता है, अपना चांस चलता है। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ गई है, मींस इट बिहेव जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग के तरीके से उसमें इतनी इंटेलिजेंसी आ गई है कि वो ह्यूमन बीइंग के तरीके से फंक्शनिंग करने लगा है। अगर इसका हम एग्जांपल लेते हैं तो स्मॉल टॉक, प्रोलॉग, मर्करी आर द गुड एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग के दो अप्रोच हैं, दो पैराडिग्म हैं, दो स्टाइल्स हैं, दैट इज ऊप्स बेस्ड है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और दूसरा जो है वो प्रोसीजरल बेस्ड है, दैट इज द प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पॉप, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में पॉप बोलते हैं। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, दो ही चीजें होती हैं कंप्यूटर में, दैट इज डेटा एंड ऑपरेशन। ऑपरेशंस को हम फंक्शंस बोलेंगे, तो डेटा एंड फंक्शंस टू थिंग्स होती हैं। इट फोकस ऑन प्रोसेस रादर देन डेटा। यहाँ पर दो चीजें हमारे पास होती हैं, प्रोसेस होती है, दैट इज फंक्शन होती है, और डेटा होता है। बट इन प्रोसीजरल ओरिएंटेड, जैसा नाम से क्लियर है, प्रोसीजरल मींस इट फोकस मोर ऑन द प्रोसेस, ये प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करती है, ना कि डेटा पे फोकस करती है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है, अगर हमने 10 लाइन का कोड लिखा, लाइन नंबर 1, लाइन 2, 3, 2, 10, तो जो इसका एग्जीक्यूशन होगा, पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, देन 2, देन 3, 4, 5, तो इस तरीके से फ्लो जो इसका होना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच है, इसीलिए इसको हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट है, इट टेक्स अ प्रॉब्लम एज अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स टू बी डन, सच एज रीडिंग, कैलकुलेटिंग एंड प्रिंटिंग। इसी तरीके से लेता है जैसे हम रीड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और प्रिंट करते हैं, हेंस अ नंबर ऑफ फंक्शंस आर रिटन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हम फंक्शंस डिजाइन करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। तो हमने भी बताया टू थिंग्स होंगे, दैट इज फंक्शन होगा और डेटा होगा। कंप्यूटर हैज टू थिंग्स, फंक्शन एंड डेटा। तो डेटा पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होना है, दैट ऑपरेशंस विल परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस की हेल्प से परफॉर्म किया जाएगा। तो किसी भी, सपोज हमें टू नंबर का ऐड करना है, ऐड करने के लिए हम एक स्पेशल फंक्शन बनाएंगे, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सब्ट्रैक्ट के लिए अलग फंक्शन बनाएंगे। इसी तरीके से जो है, जो टास्क होगा उसको हम फंक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ फंक्शंस, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम फंक्शंस बनाते जाएंगे, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शंस में हम उसको डिवाइड करेंगे, एंड ईच फंक्शन हैज क्लियरली डिफाइंड पर्पस, और हर फंक्शन जो है क्लियरली डिफाइंड होगा, जो सिंटैक्स होगा वो प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो किया जाएगा। आगे हम प्रोग्रामिंग जब सीखेंगे तो वहां पर हम लोग सिंटैक्स सीखेंगे कैसे फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। डेटा मूव्स ओपनली अराउंड द सिस्टम्स फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशंस नहीं होगी, एक फंक्शन से डेटा दूसरे फंक्शंस में मूव करेगा, किसी भी तरीके से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। नेक्स्ट अप्रोच आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको हम ऊप, अगर यहाँ पे प्रोग्रामिंग है तो हम इसको ऊप्स बोलेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग मॉडल है, दैट इज मॉडल या कह सकते हैं, या अप्रोच कह सकते हैं, या पैराडिग्म कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड अराउंड द ऑब्जेक्ट। किस, ये ऑब्जेक्ट के अराउंड में बना होता है, ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करता है। ऊप्स फॉलो ए बॉटम अप अप्रोच, अभी जैसे हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड में पढ़ा था, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉलो करता था टॉप डाउन अप्रोच, बट ये फॉलो करेगा बॉटम टू अप अप्रोच, मीन्स ये नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगा, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा वो फ्रॉम बॉटम टू अप की ओर टुवर्ड्स मूव करेगा। ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन डेटा एंड फंक्शन, हर ऑब्जेक्ट के पास अलग डेटा होगा और उसका अलग फंक्शन होगा। क्लास कैन बी रीयूज्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें क्लास है, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशंस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऑब्जेक्ट
एंड क्लास, यहाँ पे उसके प्रिंसिपल्स हैं, तो आगे हम इसके बारे में, क्लास के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी क्लास का हम यहाँ पे सीखेंगे, क्लास कैन बी रीयूज्ड। एक बार हमने कोई क्लास बना लिया, कोई फ्रेम बना लिया, अब उस फ्रेम को हम कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म में है, एक रीयूज करने का जो प्रोसेस है, रीयूज कर सकते हैं, किसी भी क्लास को हम दोबारा यूज कर सकते हैं अगर एक बार हमने क्रिएट कर लिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज वेरी वेल। इसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, इसकी जो, इसको जो डिजाइन किया गया है वो रियल वर्ल्ड से लिया गया है। इसका जो कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया है रियल वर्ल्ड से लिया गया है। अगर हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो पहले हम उसको अपने ब्रेन में रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को लेकर के, रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल को लेकर के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो चेयर, जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं फिजिकल चीजें, चेयर है, टेबल है, पेन है, पेंसिल है, स्टूडेंट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट की कैटेगरीज में आएंगे। और जो फ्रेम टाइप के होंगे, क्लास ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट टाइप के, फ्रेम टाइप के जो भी चीजें आएंगी वो क्लास की कैटेगरीज में आएंगी। जैसे हम आइस क्यूब ट्रे का एग्जाम्पल देते हैं, आइस क्यूब ट्रे क्या है, फ्रेम है जिससे हम आइस क्यूब क्रिएट करते हैं। तो आइस क्यूब ट्रे क्लास हो जाएगी और उससे जो प्रोड्यूस होने वाले आइस क्यूब होंगे वो ऑब्जेक्ट बनेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज से लिया गया। तो अभी हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया, जो एग्जाम्पल बताए क्लास का भी बता दिया और ऑब्जेक्ट का बता दिया। इसी तरीके से जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स होंगे वो सारे रियल वर्ल्ड बेस्ड होंगे। ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड extremely useful in solving the complex problem. Problem का मतलब यहाँ पे program से ही होगा, क्योंकि जो हमारे पास program है, it is a kind of problem for me. हमारे लिए problem है, उसको हमें solve करना है, तो जितना भी complex program होगा उसको हम easily solve कर सकते हैं। Thank you.